हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं मटन करी रेसिपी। दोस्तों मटन करी तो आपने बहुत बनाई होगी, पर आज हम बहुत ही स्वादिष्ट मटन करी बनाने वाले हैं और झटपट तरीके से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने आधा के जी यानी कि 500 ग्राम मटन लिया, बिल्कुल फ्रेश मटन लेकर आए हैं मार्केट से और इसको अच्छे से पानी से साफ कर लिया है। उसके बाद हमने ये 4 से 5 हरी मिर्ची जिनको हमने कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हमने यहाँ पर, 20 से 25 कलियाँ लहसुन की जिनको बारीक पीस लिया है, और ये मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर और नमक, तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, तो ये मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए गैस को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए कुकर को हमने गैस पर रख दिया, कुकर बिल्कुल गर्म हो चुका है। सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर तेल, तो तेल की यहाँ पर हम बड़ी चम्मच डाल रहे हैं, तो 1 चम्मच डाल दी है और आधी चम्मच और डालेंगे, तो ये 1.5 चम्मच जो है तेल की डाली है हमने यहाँ पर, और अब इसको अच्छे से गर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स तेल गर्म हो चुका है, डालेंगे इसके अंदर मिर्ची, हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची हमने डाल दी है, और अब डालेंगे प्याज। हरी मिर्ची और प्याज दोनों को जो है गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा फ्राई कर लेंगे हम। ये देखिए हरी मिर्ची और प्याज अच्छे से फ्राई करने हैं, इनको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में लगातार बने रहे दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट जो है मटन बनकर तैयार होने वाला है। तो ये देखिए मिर्ची और प्याज जो है थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, डालेंगे इसके अंदर मटन। ये यहाँ पर हमने मटन डाल दिया है और मटन को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से जो है चम्मच को लगातार चलाते रहना है, मटन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यह मटन बनाने की सबसे आसान विधि है, ऐसी विधि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये देखिए दोस्तों मटन थोड़ा सा फ्राई करना है मटन को, 4 से 5 मिनट तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच जो है हल्दी पाउडर डालेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हल्दी मिक्स हो चुकी है, हल्दी को अच्छे से पका लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से पकाना है हल्दी को, हल्दी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, हल्दी पकेगी तभी अच्छा टेस्ट बनेगा मटन का। और हल्दी पक चुकी है, अब डालेंगे इसके अंदर मिर्ची पाउडर, तो यहाँ पर 1 चम्मच डाल दिया हमने, 1 चम्मच और डालेंगे, 2 चम्मच छोटी चम्मच जो है मिर्ची पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच ही डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, तो यहाँ पर हमने लगभग आधी छोटी चम्मच ये है नमक डाला है, और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को बिल्कुल अच्छे से मटन के अंदर मिक्स करना है, ये देखिए इस तरीके से चम्मच से जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटन को अच्छे से थोड़ा मसाले के अंदर मिक्स करके फ्राई करना है ताकि मटन का टेस्ट जो है वो अच्छा बने। तो दोस्तों मसाला बिल्कुल पक चुका है, अब डालेंगे लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए लहसुन का पेस्ट भी मिक्स हो चुका है, अब डालेंगे इसके अंदर पानी, आधा लीटर पानी डालना है इसके अंदर, आधा लीटर। तो ये यहाँ पर हमने जो है आधा लीटर पानी डाल दिया है इसके अंदर, और अब इसको ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और 6 से 7 सीटियाँ लगवानी है, लगभग 7 सीटी लगवानी है, तो 7 सीटी में जो बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ऊपर से हमने ढक्कन लगा दिया है, तो चलिए अब सीटी लगने देते हैं, 6 से 7 सीटी। तो वीडियो में लगातार बने रहें दोस्तों। ये फ्रेंड्स मटन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनाया, ये देखिए अच्छा कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।